ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ನೀನೇನು ಕಾರಣಾಮ ಮಾಡಿದ್ದಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. जो हमारे जो अहिल्या जिला पंचायत में चेयरमैन के दौरान जो घोटाला हुआ है, मैं मुझे जानता हूं, बल्कि तूने पेपर में दिया है. मैं और दूसरा चैलेंज आज करता हूं, अगर तूने वो साबित करा तो मैं यहां रायचूर से अवाम को मुंह तक नहीं दुखूंगा, रायचूर छोड़ के चले जाऊंगा. अगर वह इसके खिलाफ अगर नहीं बता पाया, तू इसी वक्त रायचूर से तू रायचूर छोड़ना पड़ेगा. सीसीटीवी कैमरा सेल्स एंड सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद, SCMA कैमरा. जी तशरीफ लाइए शहर की सबसे कदीम सबसे भरोसेमंद दुकान मीनार बंगाल स्टोर्स, अली कॉलोनी चंद्रबंडा रोड, LBS नगर, रायचूर. नाज़रीन आदाब एनडीटीवी में आप तमाम का खैरमकदम है. नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, रायचूर शहर में गंदे पानी की सरबराही एक मसला बन चुकी है, जिसकी वजह से अब तक 4 लोगों का इंतकाल हो गया है और कई लोग बीमार पड़ रहे हैं. इस सिलसिले में कांग्रेस ने एक एहतजाज भी किया था, जिसमें साबिका रुकने जिला पंचायत बशीरुद्दीन ने असम्बली पर जमकर तनकीद की थी. उन्होंने रुकने असम्बली को नालायक MLA कहा था. इस पर दूसरे दिन रद्दमल जाहिर करते हुए रायचूर रुकने असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने बशीरुद्दीन के खिलाफ बयानबाजी की और ये कहा था कि साबिक में बशीरुद्दीन की फैमिली ZP में इकतदार संभाल चुकी है, उस दौर में क्या क्या हुआ यह मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ. यानी इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि उस दौर में कोई ना कोई घपला हुआ होगा. इस सिलसिले में आज साबिका रुकने जिला पंचायत बशीरुद्दीन ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसमें खिताब करते हुए उन्होंने रुकने असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल को ये चैलेंज किया कि अगर उनके दौर इख्तदार के किसी भी एक घपले के बारे में तस्करा करें और उसको अगर रुकने असम्बली साबित कर देंगे तो बशीरुद्दीन रायचूर छोड़कर जाने को तैयार है और रायचूर छोड़कर चले जाएंगे. और अगर साबित नहीं कर सके तो क्या रुकने असम्बली यानी MLA रायचूर छोड़कर चले जाएंगे? उन्होंने ये चैलेंज किया कि अगर वो गलत हैं तो वो रायचूर छोड़ देंगे, अगर रुकने असम्बली गलत साबित हो तो रायचूर छोड़ने के लिए तैयार है तो इस चैलेंज को कबूल करें. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके हमरा मिर्जा फसीउल्लाह बेग के अलावा अजनुल्ला हक्कानी सौदागर और दीगर भी मौजूद थे. रायचूर शहर में पिछले 8 दिन से जो गंदा पानी पी के लोग जो बीमार पड़े हुए हैं, इस यूएस में रायचूर सिटीजन फोरम की जानिब से हम लोग सब एहतजाज मनाए और रायचूर बंद का ऐलान किया. उस वक्त रायचूर की तमाम आवाम अपने दुकानों को बंद करके भरपूर साथ दिए और तमाम अखबार के जितने भी अखबार थे, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो प्रिंट मीडिया वाला साथ दिए, हुकूमत की हुकूमत तक बात पहुंचाई. चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पे जो लोग पानी से पानी पी के जो लोग इंतकाल कर गए हैं, इन लोगों को 5 लाख का मुआवजा दिया गया, ऐलान किया. ये सब आप जितने भी मीडिया के लोग हैं और रायचूर की आवाम और रायचूर सिटीजन फोरम के जानिब से हम लोग एहतजाज करें तो ये कामयाब रहा. इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हरकत में आए, म्यूनसिपालिटी हरकत में आए, तमाम अहदेदार यहाँ तक के हुकूमत की जानिब से भी एक टीम यहाँ रायचूर के लिए जो पानी ख़राब पानी की वजह से जो इंतकाल कर गए लोग बीमार हो रहे हैं, इनको इंस्पेक्शन के लिए एक टीम तक भी आई है. बस इस दौरान हम लोग ने एहतजाज के दौरान बंद के दौरान हम लोग ने इस खराब पानी सरबराह करने में म्यूनसिपालिटी की जवाबदारी है और यहाँ के MLA की भी उतनी ही जवाबदारी है, जो लोगों के वोट लेके जीत के आया है इसकी भी जवाबदारी है. ये इनसे बच रहा है, मेरी जवाबदारी नहीं, ये म्यूनसिपालिटी की जवाब एक पर एक ये म्यूनसिपालिटी वाले कहते हैं ये एम्प्लाइज क्या जवाबदारी है, MLA कहता है म्यूनसिपालिटी. इस तरह से बेजवाबदारी बात करते हुए अपने बचने की कोशिश की तो हम लोगों ने कहा कि इस तरह की नालायक ही बात नहीं करना है, एक MLA हो के इस तरह से नालायक बात नहीं करना है, तो नालायक MLA है, बच रहा है. उसके इवज में दूसरे दिन MLA ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हुए मैंने
मेरे अहलिया 2011 में जिला पंचायत के प्रेसिडेंट थे। उस वक्त जिला पंचायत प्रेसिडेंट के दौरान तुम क्या क्या घोटाले किए हैं मेरे को मालूम है, मेरे को मैं वो सब मैं जानता हूं करके पेपर में उन्होंने इंट्रो दिया। मैं वही सवाल करता हूं एमएलए को आज आप लोगों के जरिए। 2011 में अभी तू बच्चा था, तुम बच्चे थे, सियासत से दूर थे, कोई सियासत में ही नहीं थे, सियासत की कोई जानकारी नहीं थी। आप अस्पतालों में इंजेक्शन लगा रहे थे एक डॉक्टर की हैसियत से, लेकिन सियासत दूर दूर तक इल्म नहीं था। तुम क्या मेरा घोटालों को निकालेंगे? अगर मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, दूसरा चैलेंज, एक चैलेंज उस वक्त किया था जिस वक्त एहतजाज कर रहे थे रायचूर में, रायचूर का बंद ऐलान कर रहे थे, जिस वक्त तो एक सवाल एक चैलेंज करा था, वो चैलेंज ये था जो तूने एससी एसटी का पैसा एससीपी टीएसपी का ग्रांट जो दूसरे तरफ इस्तेमाल करके उन लोगों को जो एससी एसटी के लोगों को धोखा दिया है, उनके साथ नाइंसाफी की है, वो सब मेरे पास पूरे रिकॉर्ड के साथ मैं हवाला देता हूँ। तो अगर तू तेरे पास तू चैलेंज लेता है कबूल करता है तो दूसरी बात आज कहता हूं जो हमारे जो अहलिया जिला पंचायत में चेयरमैन के दौरान जो घोटाला हुआ है मुझे जानता हूं, बल्कि तूने पेपर में दिया है, मैं और दूसरा चैलेंज आज करता हूं, अगर तूने वो साबित करा तो मैं यहां रायचूर से अवाम को मुंह तक नहीं दुखूंगा, रायचूर छोड़ के चले जाऊंगा। अगर इसके खिलाफ अगर नहीं बता पाया तू इसी वक्त रायचूर से तू रायचूर छोड़ना पड़ेगा। ये चैलेंज कबूल है तो तमाम जितने भी मीडिया और रायचूर के आवाम के सामने ये हमारी चैलेंज है, जो सवाल है कबूल करते हुए तू आके सवाल का जवाब दे। घोटाला हम तेरे घोटाला जो घोटाला किया है वो हम साबित करते हैं। इस तरह से बेहूदा बयानबाजी दे के बचने का नहीं है। तो एक एमएलए होने के बाद जवाबदारी से तो बात करना पड़ता है, जवाबदारी लेना पड़ता है आवाम की हर एतबार से, पानी की, रास्ते की, सभी। तो इस तरह से बोल के पिछले करे हैं लोग, वो लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अब हम आ चुके हैं, इस तरह से बचने की बयानबाजी नहीं देना है। जो भी है जो मौजूदा हालात में जो भी जिम्मेदार है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो मौजूदा हालात में तू खाबो पाए, ये छोड़ के बच के जाना ठीक नहीं है। इस तरह की बेहुदा बयानबाजी से बाज आना बोल के मैं आपके जरिए मैं उनको ये बात सुनाना चाहता हूँ।